नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपको टॉपिक दिखा रहा हूं और बता रहा हूं वो है बोनसाई। बागवानी का यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें हम एक नए प्रकार की बागवानी का अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इसमें कुछ पौधे प्लेट के आकार के गमलों में लगे हुए हैं और वो पूर्णतः या फिर बड़े वृक्ष के समान दिखाई पड़ रहे हैं। यह शैली जापान से उत्पत्ति मानी जाती है और इस शैली को जापानी शैली भी बोलते हैं। बोनसाई की जो शैलियां हैं वो कई प्रकार की हैं, जिसमें औपचारिक, अनौपचारिक, कैस्केड, फॉरेस्ट, आइलैंड और भी काफ़ी शैलियां हैं। जैसा कि अब आप देख रहे हैं, इस गार्डन को बोनसाई गार्डन बोलते हैं और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। देखिए ये कितना खूबसूरत बोनसाई का पौधा है। मैं आप सभी से बोलूँगा कि आप अपने घर में या खेतों पे कहीं पे भी एक दो पौधे बोनसाई के ज़रूर बनाएं। बोनसाई को बनाने का जो सही तरीका है वो मैं आपको आने वाले समय में वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताऊँगा। देखिए ये कितना सुंदर बोनसाई है। ये बोनसाई जो है खेरनी पौधे का है, ये एरोकेरिया है बोनसाई, ये पिलखन का है। बोनसाई के लिए जो पौधे हैं वो बड़े ही महत्वपूर्ण है कि हम किस प्रकार के पौधे बोनसाई के लिए चुने। बोनसाई में सबसे अधिक बड़ बनियान या पीपल, मोलसरी और जंगल जलेबी, मैपिल, एरोकेरिया, जूनिफर, फाइकस, इनको बोनसाई के लिए चुना जाता है और इनसे बोनसाई जो है वो काफ़ी ही अच्छी व खूबसूरत बनती है। तो आप कहाँ से और कैसे पौधे चुने तो मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा कि पुराने खंडरों में, घरों में, दीवारों में कुछ पौधे बड़ पीपल या फाइकस के अपने आप उग जाते हैं और काफ़ी खूबसूरत दीवारों में रहते हैं, तो आप उन पौधों को यूज कर सकते हैं बोनसाई के लिए। सही समय बरसात का माना जाता है बोनसाई को लगाने के लिए, तो आप उन पौधों को या फिर पेड़ के ऊपर नीम या फिर बड़ में कुछ पौधे अपने आप उग जाते हैं तो उनको उन पौधों से अलग करके आप बोनसाई के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसमें आपको टाइम लगेगा और पौधे को आपको तारों से बांधना, पौधे को बांधने का तरीका एक अलग है, तरीका है। शाखा के चारों तरफ तार को इस प्रकार से मोड़ें कि हमारी शाखा और पौधे को कोई नुकसान ना हो और फिर आपको जो आकार पौधे को देना है उस आकार में पौधे की शाखाओं को झुका दें। इससे आपके पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा और आप एल्युमिनियम वायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उससे पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। और कोई आकार का पौधा आपको या जिस शैली का पौधा आपको तैयार करना उस शैली में पौधे को आप तारों से मोड़ दें। इस प्रक्रिया में लगभग 6 महीने लगेंगे पौधे को बोनसाई आकार मिलने में। धन्यवाद।